कोरोना ने जहां कई तरह के कारोबार बंद करने का काम किया, वहीं हरियाणा के पानीपत जिले के हैंडलूम व्यापारियों को कोरोना ने मदद की है। कोरोना के कारण कई देशों ने चीन से कंबल वगैरह लेने बंद किए, तो इसका सीधा फायदा भारत को पहुंचा। भारत में भी हरियाणा के पानीपत जिले को हैंडलूम प्रोडक्ट्स का हब कहा जाता है और कई देशों में पानीपत के कंबलों की मांग बढ़ गई है। अब ब्राजील और यूरोप के कई देशों में भी पानीपत के कंबल जा रहे हैं। पानीपत के हैंडलूम व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के कारण कई देशों ने चीन से सामान लेना बंद कर दिया, जिसका फायदा हमें हुआ है और हमारी सेल 30-40% बढ़ गई है। अब पिछले से और अब तक अगर हम लगाएं तो तकरीबन 30-40% तक हमारा बिजनेस बढ़ा हुआ है। उसके लिए जो ऑनलाइन का बिजनेस है वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, स्टोरों का कम बढ़ा हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन लोग जो है अब इस बीमारी के चक्कर में अंदर घर बैठ के जो है खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कि स्टोर पे जाने के लिए। हमारा 40-50 कंट्रियों के अंदर होता है, लेकिन जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट सभी कंट्रियों के अंदर बढ़ा हुआ है बराबर लेवल के अंदर। कुछ कंट्री ऐसी हैं कि मान लो जो उसका बेनिफिट हमारा को चाइना का जरूर मिला है, क्योंकि चाइना से जो लोग जो वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं जो नाराज़ हुई हैं, उस नाराज़गी का जो है हम लोगों पे फर्क पड़ा है, उसके कारण बिजनेस बढ़ा है, छोटे छोटे कंट्रियों से इधर आना शुरू हो गया। पानीपत के हैंडलूम उत्पाद के निर्यातकों को करीब 4,000 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। जून 2020 से अब तक 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया जा चुका है। 1.5 साल पहले पानीपत का हैंडलूम निर्यात करीब 12,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 16,000 करोड़ हो चुका है। पानीपत से अब लगभग 40-50 देशों में कंबल सप्लाई हो रहा है और अब कुछ ऐसे देश भी डिमांड करने लगे हैं जहां पहले चीन का माल जाता था। ब्राजील एक ऐसा देश है जहां हमेशा चीन से ही बने हैंडलूम के प्रोडक्ट को खरीदा जाता था, लेकिन अब हिंदुस्तान को ब्राजील हैंडलूम का ऑर्डर दे रहा है। बड़े बड़े एक्सपोर्टर को तो फायदा है, जैसे चाइना बंद हो गया, चाइना से लोगों ने बंद कर दिया, अब इंडिया वालों ने कही अब प्लांट यहाँ लगे, अब आपने देखा वो प्लांट काफी ज्यादा पानीपत में लगे हैं, कई विदेशों से भी ऑर्डर आए हैं उनको। बहरहाल कोरोना ने बड़े बड़े उद्योगों को बंद करने का काम किया, लेकिन इस कोरोना के कारण पानीपत के हैंडलूम व्यापारियों के वारे न्यारे हो गए और कई देशों में यहाँ के कंबलों की मांग बढ़ गई है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में पानीपत हैंडलूम और भी मुनाफा कमाएगा। ईटीवी भारत हरियाणा के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट।